हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम पिज़्ज़ा रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो ये पिज़्ज़ा बहुत ही आसानी से हम घर पर बना लेते हैं और ये हम बिना ओवन के कढ़ाई में बनाएंगे। तो गाइस, इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पिज़्ज़ा की रेसिपी। ये हमने 2 कप मैदा ले लिया है। तो मैदा हमने इस कप से नापा है, तो आपका जो भी नाप होगा उस नाप से आप अपने क्वांटिटी के अनुसार आप मैदा ले लीजिएगा। तो हमारा 2 कप मैदा है और इस मैदे में हम बेकिंग पाउडर, ये हमारा छोटा चम्मच से हाफ चम्मच, और ये बेकिंग सोडा है, ये भी छोटा चम्मच से हाफ चम्मच, और ये नमक, इसमें थोड़ा कम ही नमक पड़ेगा, ये भी हाफ चम्मच है, और चीनी छोटा चम्मच से 1 चम्मच हम इसमें चीनी मिक्स कर रहे हैं। इन सभी को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच, ये हमारा दही है, तो 2 चम्मच हम इसमें दही मिक्स करेंगे। उसके बाद इसे हम हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस, इसमें हम एक चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल का उपयोग करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हम एक स्मूथ सा डो तैयार करेंगे, बिल्कुल चिकना मसल मसल करके। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें ऊपर से पानी हल्का हल्का डाल करके और इसका एकदम स्मूथ डो तैयार करेंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा, पहले एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें पानी डालेंगे। और गाइस, अगर आप जो हमने रिफाइंड डाला है इसके जगह पे आप बटर या फिर घी भी डाल सकती हैं, उससे भी ये अच्छा बनेगा। गाइस, ये हमने एकदम से स्मूथ डो तैयार करके रख लिया। अब हम इस पर थोड़ा सा ऊपर से रिफाइंड ऑयल लगा देंगे ताकि हमारा ऊपर में जो है वो ऐसे अगर छोड़ देंगे तो सूख जाता है, इसलिए हम इस पर ये रिफाइंड ऑयल लगा करके और इसे अच्छे से रख देंगे। ये डो हमारा, जैसे हम रोटी के लिए सानते हैं ना, बस उसे थोड़ा सा, ये हमारा थोड़ा सा ढीला होना चाहिए रोटी से, नहीं तो फिर ये ज़्यादा अगर हार्ड होगा तो अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बन करके तैयार नहीं होगा। तो हम तेल लगाने के बाद इसको हम अच्छे से कोई भी कॉटन कपड़ा से इस तरह से ढक करके, कपड़ा से गीला करके, और उसको हम पानी को अच्छे से निचोड़ देंगे। उसके बाद इसे ढक करके और एयर टाइट डिब्बा में या फिर ढक्कन से ढक करके और हम इसे रख देंगे। तो इसे हम 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से हमारा ये आटा फूल करके सेट हो जाए। आटा बिल्कुल सेट हो गया है, इसे हमने पूरे 1.5 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। तो इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसका पिज़्ज़ा का बेस तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा का बेस तैयार करने के लिए, तो जितना बड़ा आपको पिज़्ज़ा बनाना होगा उतना बड़ा एक इस तरह से लोई तोड़ करके और इसे अच्छे से हम गोल कर लेंगे। गाइस, अगर आपके पास अगर मक्के का आटा है तो हम इस तरह से मक्के का आटा फैला देंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम बनाएंगे। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप मैदा से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे हमें पतला नहीं करना है, इसे हम मोटा ही तैयार करेंगे बेल करके। तो जितना बड़ा आपका जिसमें हम ये रखेंगे पकाएंगे, अपना प्लेट देख लीजिएगा कि कितना बड़ा आपका प्लेट का साइज है, उस हिसाब से हम इसका तैयार करेंगे बेल करके। तो ये हमने बेल करके तैयार कर लिया। देखिए, हमने बिल्कुल पतला नहीं बेला है, ये हमारा ये साइज़ है। और इस तरह का एक प्लेट है जिसका किनारी है वो थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए, ऊंचा किनारी का हमारा प्लेट होना चाहिए। तो इसमें हम बटर या रिफाइंड कुछ भी फैला लेते हैं। तो इसमें हम इस तरह से बटर को फैला लेंगे। इसके बाद ये मक्के का आटा भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अब आप मैदा से भी इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिएगा ताकि ये अच्छे से हमारा निकल जाए। उसके बाद इसे हम इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे और थोड़ा सा ये जो हमारा किनारी है वो हम दबा देंगे। इसके ऊपर फिर से हम एक बार बटर अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे अच्छे से। इसके ऊपर से हम मिक्स हर्ब्स डाल देंगे।
अगर आपके पास ओरिगैनो है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम पनीर का इस तरह से पतला पतला पीसेस करके और डाल देंगे। गाइस ये चीज़ है, तो चीज़ भी अगर आप चाहें तो मोजरेला भी डाल सकते हैं। तो इस तरह का क्यूब में आता है, वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इस तरह से ग्रेट कर देंगे और इसके ऊपर हम अब ये पनीर भी ग्रेट कर देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप पनीर भी ग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो उसी तरह से पीस भी करके आप इसके ऊपर फैला सकते हैं। इसके ऊपर से हम ये स्वीट कॉर्न हम फैला देंगे। ये शिमला मिर्च है, इसे भी हम इसके ऊपर इस तरह से फैलाएंगे। ये टमाटर है, टमाटर का हमने बीज जो भी है बीज का अंदर का पानी वो सभी को हमने निकाल दिया है। उसके बाद हम इसे भी इस तरह से फैला देंगे। ये हमारा प्याज है जिसे हमने लंबा लंबा सा कट कर रखा है और ये भी हमने स्लाइस को अलग कर दिया है, तो इसे भी हम इस तरह से फैलाएंगे। इसके ऊपर हम फिर पनीर ग्रेट कर देंगे। इसके ऊपर फिर हम ये चीज़ को ग्रेट करेंगे। गाइस अगर आपको पसंद हो तो ये थोड़ा सा हम ऊपर से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। फिर ये किनारी से हम एक एक बूंद, इधर हम रिफाइंड ऑयल या फिर आप बटर भी डाल सकते हैं। तो ये साइड से जो हमारा हमने जो रखा हुआ है, ये हमारा जो पिज़्ज़ा रखा हुआ है उसके साइड में प्लेट में हम इसे डालेंगे। थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं, एक बूंद। ये हमारा अब ये बिल्कुल पकने के लिए रेडी है, तो इसे अब हम पका लेते हैं। ये हमने कढ़ाई को गर्म कर रखा है, तो गाइस ये हमने कढ़ाई में नमक डाल करके और इसे हमने 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तो इसके बाद इसे हम इसमें ऐसे सेट कर दे रहे हैं और इसके बाद इसमें हम ढक देंगे। तो इसे हम 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही ढका हुआ रहने देंगे। 20 मिनट के बाद एक बार हम इसे चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम इसे अगर मेरा पक जाएगा तो ठीक है, नहीं पकेगा तो 5 मिनट और हम इसे पकने देंगे। गैस मीडियम फ्लेम पे हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट तक पहले पकने देंगे। ये हमारा पूरे 25 मिनट तक हमने इसे पकाया है लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसे चेक करते हैं, तो कोई भी आप ऐसे उठा करके इसे देख सकते हैं कि हमारा ये अंदर से पका है या नहीं। तो ये देखिए एकदम ये बहुत अच्छे से पक चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे बाहर। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर दे रहे हैं और इसे हम बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा पिज़्ज़ा बन करके रेडी हो गया। तो हम इसे चेक करते हैं कि हमारा अच्छे से पका है या नहीं। तो ये नीचे की ओर देखना है, तो ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से नीचे की ओर भी पक गया है। तो इसे अब हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितने अच्छे से पक गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका डो भी पूरा पक करके एकदम फुला हुआ है।